स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। आज हम रिव्यू करने वाले हैं नई 2023 की बजाज पल्सर NS160, जिसके अंदर आपको दो नए कलर मिलते हैं। एक कलर का वीडियो मैंने पहले बना दिया है और ये दूसरे कलर का वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। ये वीडियो में हम पहले डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, उसके बाद में हम इसका टेस्ट राइड करेंगे और टेस्ट राइड करने के टाइम पर आपको बताऊँगा कि इसका इंजन कैसा है, गियरबॉक्स कैसा है, ब्रेक्स कैसे हैं, इंजन का जो फील एंड फीडबैक है हाई स्पीड पर वो कैसा है, टॉप स्पीड कैसी है, माइलेज आपको कितना मिल सकता है, वो सब हम ये वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और एक चीज़ आपको बताऊँगा कि ये बाइक आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट क्यों हो सकती है ये इंजन सीसी सेगमेंट में। अगर आप ये इंजन सीसी सेगमेंट में एक बाइक लेने का प्लान कर रहे हैं सिटी राइड्स के लिए स्पेशली, तो सबसे पहले आपको बता दूं इसमें आपको अभी चार कलर ऑप्शन मिलते हैं। दो आपको पहले मिलते थे, दो अब मिलते हैं, तो चार कलर ऑप्शन आपको मिलते हैं। ये आप इनकी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। इस कलर का नाम है कॉकटेल वाइन रेड और दिखने में बहुत ही प्रीमियम दिखता है। प्राइस है 1,37,000 रुपीज़। ये आपको मैं हैदराबाद का एक शोरूम प्राइस बता रहा हूँ। ऑलमोस्ट 1,70,000 आपको ऑन रोड पड़ेगा इसका। शोरूम की डिटेल आपको मैं नीचे दे दूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभिनंदन बजाज जिन्होंने ये बाइक हमें रिव्यू के लिए दी है, सो थैंक यू सो मच बजाज अभिनंदन। उनका डिटेल आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओवरऑल जो गाड़ी का वेट है वो 152 किलो है एंड कलर आपको मैं एक बार चारों तरफ से दिखा देता हूँ। पहले सामने से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको स्टिकर दिए हैं रेड कलर के एंड यहाँ पे आप टैंक के ऊपर देख सकते हैं साइड में व्हाइट कलर का आपको स्टिकर दिया है। ये व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है बट थोड़ा सा सिल्वर का इसमें टच है। 160 यहाँ पे लिखा गया है एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो टैंक है, जो व्यू है, ऐसा कुछ आपको दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं NS160 यहाँ पे लिखा गया है। वैसे अगर आपको NS का मतलब पता है क्या है, अगर आप एक NS बाइक के लवर है NS160 और NS200 के, तो NS का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है, आप नीचे कमेंट करके बताएं। यहाँ पे आपको फिर से लाइन वगैरह दिया गया है। पीछे से बाइक कुछ ऐसे दिखती है। LED आपको टेल लैंप दी गई है। सो ओवरऑल बाइक कुछ ऐसे दिखती है। अब ये जो बाइक है ना, ये E20 और फ्लक्स फ्यूल का जो 20% क्वांटिटी है उसके साथ अब कंप्लेंट है। मतलब ये BS6 फेस 2 इंजन के साथ आती है एंड इसमें आपको OBD ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक जो टूल है वो भी दिया गया है। तो फ्यूचर में जब भी वो फ्यूल अवेलेबल रहेगा वो टाइम पर आपको इंजन में कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पिछला जो अपडेट है उसमें आपको USD अपसाइड डाउन सस्पेंशन दे दिया गया था। यहाँ पे आपको कार्बन फाइबर का थोड़ा सा स्टिकर है और फिनिश मिलता है। ये स्टिकर नहीं है, इंटीग्रेटेड ऐसी इसमें टेक्सचर है वो दी गई है। ड्यूल चैनल ABS आपको मिलता है। 300 mm का आपको डिस्क मिलता है एंड सामने जो टायर है वो आप देख सकते हैं 100x80 17 इंच का आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है। इंजन की बात करें तो वही इंजन है 160cc का एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ऑयल कूलर भी दिख जाएगा। तो ये ऑयल कूल्ड इंजन है जिसका पावर आउटपुट है 17.2 PS का और इसका टॉर्क आउटपुट है 14.6 Nm का। 5-speed आपको गियरबॉक्स मिलता है और बजाज ने इसमें किक भी लगाया भाई। मतलब बहुत सारी जो बाइक्स हैं उनमें किक आजकल कंपनी वाले निकाल देते हैं। इंजन गार्ड मिलता है नीचे आपको थोड़ा सा। मेरे हिसाब से ये सिर्फ स्टाइल के लिए है, इससे कोई प्रोटेक्शन आपको मिलेगी नहीं, बट यहाँ पे आपको स्टाइल के लिए यहाँ पे गार्ड भी दिया गया है जो हार्ड प्लास्टिक का आपको दिया गया है। पीछे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है विथ कैनिस्टर एंड टायर जो है ना वो 130x70 17 इंच का आपको ट्यूबलेस टायर यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आप अपने नंबर प्लेट लगा सकते हैं। साड़ी गार्ड आपको दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेडीज़ फुटरेस्ट भी आपको यहाँ पे दिया गया है, अगर कोई वन साइड बैठना चाहे तो बैठ सकता है। 12 लीटर का आपको पेट्रोल टैंक मिलता है। यहाँ पे आपको टैंक पैड दिया गया है। पल्सर का नाम ऐसे 3D में लिखा गया है, E20 इसके ऊपर लिखा गया है एंड आपको स्प्लिट सीट यहाँ पे मिलती है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी के ग्रैब रेल मिलते हैं। 5-speed आपको गियरबॉक्स दिया गया है। ओपन चेन दी गई है। मेंटेनेंस जो है आपको कंपनी का जो मैनुअल है ना उसके हिसाब से करना पड़ेगा। क्लच एंड ब्रेक का जो फील है और क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आपको हाई बीम लो बीम पास इंडिकेटर हॉर्न इंजन किल स्विच एंड इंजन स्टार्ट भी दिया गया है। तो आपको इंजन स्टार्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक मिलता है और किक भी मिलता है। इसके सिस्टम कंट्रोल में थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं जो आपको पहले ही पता है। इसके अंदर आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिलता है, साथ ही साथ आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी, इंस्टेंट माइलेज वो सब आपको देखने को मिलता है। इसके अंदर और ज़्यादा कोई चेंजेस किए नहीं है, वही आपको सिस्टम कंट्रोल मिलता है आपको जो पहले मिलता था। हालांकि थोड़ा सा जो गियर पोजीशन है वो थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे कोने पर लगाया गया है तो थोड़ी सी आपको देखने में दिक्कत हो सकती है। अब इसको लेकर चलते हैं हम राइड पर एंड चलने के टाइम पर बात करेंगे कि भाई ये चलने में कैसी है। को पहले हम इसके एग्जॉस्ट के साउंड सुना देता हूँ, उसके बाद में आपको मैं ये बाइक को चला के दिखाता हूँ एंड हम ट्राई करेंगे थोड़ा सा अगर इसकी स्पीड टेस्ट कर सके। अंडर बेली इसमें एग्जॉस्ट आपको मिलता है। आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको आवाज कैसी लगी।
सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। तो परफॉर्मेंस की बात करें तो गाड़ी में जो पावर है ना वो बहुत ही तगड़ा है। इनिशियल आरपीएम में आपको बहुत ही अच्छी पावर मिलती है, मिड आरपीएम पे भी आपको बहुत अच्छी पावर मिलती है, थोड़ी सी आपको पावर की कमी फील होती है टॉप आरपीएम पे। वैसे टॉप आरपीएम 8000 प्लस आरपीएम पर जब ये बाइक जाती है तो थोड़ी सी मतलब धीमी और स्लो हो जाती है। हालांकि गाड़ी का जो इंजन है ना वो आवाज़ करता रहता है, आपको लगता है कि हाँ भाई आवाज़ तो कर रहा है इंजन, लेकिन उतना ज़्यादा पावर नहीं आ रहा है जितना आपको लो आरपीएम में एंड मिड आरपीएम में मिलता है। सो इंजन की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। एंड एक चीज़ और आपको और बता दूं, मैं यहाँ पे पांचवे गियर में चल रहा हूँ। पांचवे गियर में मैं ये गाड़ी के ऊपर 20 की स्पीड पे चल सकता हूँ। आपको मैं थोड़ा सा स्लो करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पे आप देखिए, मैं 20 की स्पीड पे इसको पांचवे गियर में चलाता हूँ। अभी आप देखिए, कोई भी आपको जर्क्स नहीं आ रहा। पांचवे गियर में 20 की स्पीड पे ये बाइक चल रही है, 20 22 20 22। इसका जो टॉर्क है ना वो इतना अच्छे से ट्यून किया गया है कि अगर आप सिटी में इसको चलाते हैं थर्ड एंड फोर्थ गियर में भी 20, 25 और 30 की स्पीड के नीचे, तो भी आप ये बाइक को आराम से चला सकते हैं। इसका एक प्लस पॉइंट क्या होता है पता है आपको? बार बार सिटी में गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे हिसाब से 160 सीसी सेगमेंट में कोई भी दूसरी बाइक नहीं है जो इतनी कम स्पीड पे हायर गियर पे मेंटेन हो सकते हैं विदाउट एनी इंजन नॉकिंग, विदाउट एनी काइंड ऑफ जोक्स फ्रॉम द इंजन। सो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसीलिए मैं आपको बता रहा था स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो आई वॉज टेलिंग यू कि भाई वाई दिस कैन बी वन ऑफ द बेस्ट व्हीकल फॉर यू टू राइड इन द सिटी, इवन दो इट इज़ हैविंग दैट स्पोर्टी नेचर। इसका जो नेचर है, द वे इट लुक्स, ये स्पोर्टी दिखती है, फास्ट भी है अगर मैं नॉर्मल एक कम्यूटिंग सेगमेंट से इसको कंपेयर करूँ। एंड रही बात वाइब्रेशंस वगैरह की, तो आपको वाइब्रेशंस बिल्कुल भी नहीं आते हैं, मतलब ऐसे वाइब्रेशंस नहीं आते हैं जिनसे कि आपको चलाने में दिक्कत हो, ऐसा कोई भी वाइब्रेशंस आपको फील नहीं होता। हालांकि थोड़ा बहुत वाइब्रेशन जो आता है ना वो फुटपैक्स पे आता है और हैंडल बार पे आता है, तो वो भी एकदम से नॉर्मल, मतलब आपको चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा आपको बज फील होता है और वो हर एक बाइक में होता है जो एक सिंगल सिलेंडर की होती है। भाई ये छोड़ो, आप 160 छोड़ो, 400 सीसी की जो बाइक्स है इंडियन मार्केट में उनमें भी आपको जो वाइब्रेशंस है वो फील होता है, बट कभी आपको इस बाइक से दिक्कत नहीं होगी। आप देखो, मैं पांचवे गियर में 40 की स्पीड में चल रहा हूँ, जैसे मैं थ्रॉटल इसका अप करूँगा गाड़ी वहीं से कितना अच्छा पिकअप ले लेती है, मतलब रोलिंग भी रेस करोगे दूसरी गाड़ियों से इसकी, तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी आपको पावर दे देगी और तगड़ा कॉम्पिटिशन ये देती है इसकी सेम सेगमेंट की जो दूसरी बाइक्स है उनको। अब हम बात करते हैं इसके गियरबॉक्स की, तो आपको बता दूँ क्लच का जो पुल है वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, बीच का है। बट एक चीज़ यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि इसका गियर शिफ्ट इतना अच्छा है और इसका गियरबॉक्स इतना अच्छा है, आपको मैं एक बार गियर डाउन करके बताता हूँ। अभी आप देखिए, मैं सेकंड गियर में चल रहा हूँ, विदाउट क्लच दबाए मैं थर्ड गियर में चला गया, थोड़ा सा मैंने इसका थ्रॉटल है वो ब्लिप किया है, मैं फोर्थ गियर में चला गया, उसके बाद में देखिए मैं हाथ हटा रहा हूँ यहाँ से, फिफ्थ गियर में चला गया। इतना प्रिसाइस और ईजिली शिफ्ट होता है इसका गियर, मतलब थोड़ा सा आपको मतलब ऐसा टच करना है और ये शिफ्ट हो जाएगा, कोई मतलब अननेसेसरी प्ले नहीं है, वो आपको कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। तो गियर बॉक्स को लेकर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब हम बात करते हैं इसके सस्पेंशन के बारे में, तो आपको बता दूं कि पीछे का जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा आपको स्टिफ फील देगा, उससे क्या है आप जैसे जो गाड़ी को मैं अभी चला रहा हूँ वैसा आप चलाओगे तो आपको जो हाई स्पीड स्टेबिलिटी है वो अच्छी दे देगा। अगर आप ज़्यादा ही बैड रोड पे जाते हो तो वो टाइम पे आपको थोड़ा सा उछालेगा, बट नॉर्मल जो बैड रोड होती है जैसे मतलब थोड़ा बहुत अनइवन रोड आता है उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखो, पर्पज़ ये गाड़ी का सिटी में चलाने का है, तो कंपनी ने जो ट्यूनिंग किया है सस्पेंशन का वो हिसाब से ही किया है। सामने का सस्पेंशन जो है सेटअप वो काफ़ी अच्छा है, आपको हाई स्पीड पर स्टेबिलिटी जो है वो काफ़ी अच्छी दे देगा। हाई स्पीड पर गाड़ी बहुत ही स्टेबल है, अभी आप देखिए मैं ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल रहा हूँ, तो यहाँ पे भी गाड़ी की स्टेबिलिटी है ना बहुत अच्छी है। आपको लेफ्ट और राइट लेने में इतना हल्का ये बाइक फील कराएगी, हालांकि वजन जो है ना गाड़ी का 152 किलो है, फिर भी आपको लेफ्ट और राइट लेने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप जैसे राइट लेते हो और फिर आप गाड़ी को लेफ्ट फेंकते हो तो बहुत ही जल्दी गाड़ी रिस्पॉन्ड करती है, एंड अचानक ऐसे आप ब्रेक भी मारोगे ना तो आपको गाड़ी इम्बेलेंस और आउट ऑफ कंट्रोल जो फील नॉर्मली बाइक कराती है वो आपको यहाँ पे फील नहीं आएगा। ब्रेक्स की बात करें तो पीछे का ब्रेक गाड़ी का काफ़ी अच्छा है, आपको मैं एक बार यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ। पीछे के ब्रेक की बाइट काफ़ी अच्छी है, बट जो ABS है वो थोड़ी ज़्यादा ही जल्दी इंटरवीन कर देता है। सामने का जो ब्रेक है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जहाँ पे आपको गाड़ी को रोकना है वहाँ पे गाड़ी रुक जाती है और आपको एक शार्प जो फील होता है ना, मतलब इंस्टेंट जो ब्रेकिंग फील होती है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है और फील होती है। सो ब्रेक्स को लेके मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होने वाली है। वैसे आपको ड्यूल चैनल ABS मिलता है, तो अगर आप थोड़ी हाई स्पीड पर ले जाके या फिर इमरजेंसी ब्रेकिंग भी करते हैं तो वो टाइम पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ये बाइक से। स्टीयरिंग पोस्चर की बात करें तो थोड़ा सा आपको सामने मतलब झुक के बैठना पड़ता है, थोड़ा सा आपको वो स्पोर्टी फील है,
वो यहाँ पे बाइक का देखने को मिलता है। मतलब आप थोड़ा सा सामने झुक के बैठते हैं, बट उससे आपको हाथ वगैरह पे, गर्दन पे, बैक में कोई भी पेन नहीं होने वाला है। आपको सीट का कंफर्ट है वो भी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। हालांकि जो स्पोर्ट्स कैटेगरी की बाइक होती है ना, उनमें आपको थोड़ा सीट कंफर्ट कम ही मिलता है। बट यहाँ पे क्या है, सिटिंग पोस्चर अपराइट होने की वजह से आपको हाथ वगैरह में, बैक में, गर्दन में वो बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। अगर आप इसको लॉन्ग राइड के लिए भी यूज़ करना चाहते हैं तो भी आप आराम से कर सकते हैं। अगर आप हाईवे पर लेके जाते हो तो 80 to 90 की स्पीड आप आराम से मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं 90 से लेकर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जब से मेंटेन करता हुआ आया हूँ। माइलेज की बात करें तो भाई देखो, माइलेज डिपेंड करता है कि आप कैसे चलाते हो, बट नॉर्मली दूसरे वीडियोस वगैरह जो मैंने देखे हैं उनमें बहुत सारे राइडर्स ने बोला है कि 40 प्लस का आपको माइलेज दे देती है। अगर आप जो ज़्यादा ही हाई स्पीड पर चलाते हो तो 35 से लेकर 40 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको ये बाइक से आराम से मिल जाता है। वैसे भी जो लोगों को थोड़ा स्पीड भगाना पसंद है, जो लोग थोड़ा हाई स्पीड करना चाहते हैं, उनके लिए बाइक परफेक्ट है। माइलेज आपको अच्छा मिल जाता है, स्पीड काफ़ी अच्छी मिल जाती है और लुक्स है ना बहुत तगड़े यहाँ पे ये गाड़ी पे मिल जाते हैं। ये जो बाइक है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बाइक है ये इंजन सीसी सेगमेंट में। अब रही बात क्या और अपडेट ये बाइक में हो सकती थी, तो यहाँ पे दो अपडेट मेरे हिसाब से की जा सकती थी। एक तो देखो, इसका जो हेडलाइट है उसको LED दिया जा सकता था, बट कंसर्न ये है कि भाई अगर वो दे देते तो प्राइस थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता और बाद में लोग ये कंप्लेंट करना स्टार्ट कर देते कि भाई ये तो ओवर प्राइस हो गई और प्राइस इसका ज़्यादा है कंपेयर टू कंपटीशन। तो वो एक चीज़ यहाँ पे है। और दूसरी चीज़ है, इसका सिस्टम कंसोल है ना, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया जा सकता था। उसमें भी एक कंसर्न ये है कि भाई हम लोग ये बाइक का जो सिस्टम कंसोल है ना, बहुत सालों से, 6-7 साल से हम यूज्ड टू हो चुके हैं। सो द मोमेंट यू मेक एनी चेंजेस हियर ना, वो फील नहीं आएगा आपको NS वाला। सो मेरे हिसाब से इसके अंदर चेंज जो नहीं हुआ है वो भी ठीक है। अगर यहाँ पे ब्लूटूथ वगैरह या फिर जो LCD या फिर डिजिटल स्क्रीन पूरी अगर दे देते तो और थोड़ी सी ज़्यादा ये बाइक आपको प्रीमियम फील दे देती। बाकी ये गाड़ी में कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी एकदम से परफेक्ट पैकेज है। अगर आपको एक एग्रेसिव बाइक चाहिए इन टर्म्स ऑफ लुक्स, इन टर्म्स ऑफ पिकअप, ये बाइक आप ले सकते हैं। एंड एग्जॉस्ट का साउंड आपको मैं फिर से सुना देता हूँ, बहुत ही अच्छा साउंड है इसका। अंडरवेली एग्जॉस्ट आपको इसमें मिलता है। इसके अलावा अगर आपको और कुछ जानना है बाइक के बारे में ना, तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है बाइकर प्रकाश चौधरी। नीचे भी आप एक कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये बाइक कैसी लगी और कौन कौन ये बाइक को खरीदना पसंद करेगा। आपके हिसाब से ये बाइक का जो कॉम्पिटिशन है किस बाइक के साथ होना चाहिए, आपको जो बाइक के साथ इसका कॉम्पिटिशन कराना है उसके साथ इसका मैं एक कंपेरिजन वीडियो बना दूंगा, तो वो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राइड सेफ एंड ऑलवेज your helmet. Bye bye, take care.